शक्कर पे मत जाना इसकी कि शक्ल कैसी है इसकी, टेस्ट पे जाना है। तो फ्रेंड्स अब हम अंदर आ चुके हैं एंड अब अंदर आके मेरे को आधी एकदम बढ़िया से खाने की खुशबू आ चुकी है। मैं एकदम बहुत मन कर रहा है कि अब जल्दी जल्दी कुछ मंगाते हैं। वैसे मंगा तो दिया है हमने, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या मंगाया है। तो हमने मंगाया ये है कि फैंस थोड़ा कुछ हो गया था, ये सब छोड़ते हैं हम आपको दिखाते हैं। हमने मंगाया है ऑनियन मिक्स उत्पम, ठीक है, और हमने चाउमीन मंगाई है जो कि है फुल वाली। तो अब हम वेट करते हैं कवाई चाउमीन। तो फ्रेंड्स इनका नाम मद्रास डोसा एंड चाइनीज़ है, तो आप मतलब समझ ही गए होंगे मद्रास से कि मतलब इनका जो साउथ इंडियन खाना है वो कितना यम्मी होगा। और साथ में चाइनीज़ इनका बहुत फेमस है, मतलब मैंने सुना है पर कभी ट्राई नहीं किया, तो चलो आज ट्राई करके देखते हैं कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स मतलब ये ना प्योर वेज है, यहाँ पे कुछ भी नॉन वेज नहीं मिलता, 100% वेज। और यहाँ पे स्विगी और जोमेटो पे भी हैं ये लोग, तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं इनका खाना। और इनकी टाइमिंग्स है 7 AM to 11:30 PM, तो मतलब सुबह सुबह 7 o'clock भी खुल जाता है, तो आप आ सकते हैं मतलब 7 o'clock से 11:30। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, हमने कोकोनट वाटर भी मंगाया है, मैं भूल गई थी, मतलब साउथ इंडियन की आन बान शान को ही भूल गई थी मैं। तो मतलब इतना अच्छी प्रेजेंटेशन कर रखी है, फॉइल पेपर वगैरह लगा रखा है सब कुछ। तो फ्रेंड्स चलो अब टेस्ट करते हैं पहले अपनी चाउमीन। और फ्रेंड्स देखने से तो बढ़िया लग रही है, मतलब यम्मी लग रही है, और इसका ऐसा देखने से इसका कलर लग रहा है कि जैसे बहुत हल्के मसाले होने वाले हैं। अब टेस्ट करते हैं कैसा है। वैसे चाउमीन फ्रेंड्स मेरे को बहुत बढ़िया लगती है सच में। फ्रेंड्स मिर्ची है इसके अंदर, शक्कर पे मत जाना इसकी कि शक्ल कैसी है इसकी, टेस्ट पे जाना, बहुत मिर्ची है इसमें सच में। काली मिर्ची इसके अंदर तेज है, और मतलब इसके अंदर वैसे तो वो नहीं है क्या बोलते हैं लाल मिर्च, पर मेरे को मिर्ची लग रही है पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है एंड मतलब एकदम इसके अंदर काफ़ी सारी वेजीज जली हुई हैं। और तो मतलब कि मतलब एक ही जगह पे साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ मिलना मतलब बहुत कम जगह होता है, और वो एक जगह है जहाँ पे मिलता है चाइनीज़ एंड साउथ इंडियन एक साथ। तो आप भी आइए खाइए चाउमीन, नहीं मतलब साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ साथ में। तो फ्रेंड्स अब मेरा उत्पम आ चुका है एंड जो कि ठंडा हो चुका है एकदम, मतलब ठंडा ही हो चुका है, अब ठंडा ही खाएंगे। तो फ्रेंड्स मतलब इसकी प्रेजेंटेशन तो काफ़ी बढ़िया, मतलब इसके यहाँ पे नीचे केले का पत्ता लगा रखा है, मतलब मैंने आज तक किसी भी साउथ इंडियन जगह पे केले का पत्ता सर्व करते नहीं देखा। तो फ्रेंड्स आपको पता है जब मेरा ये उत्पम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी केले का पत्ता उठा के, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा और मेरे को देखना भी है कैसा होता है केले का पत्ता। अब इसे टेस्ट करते हैं। इसके साथ में हमें दी हुई है क्या बोलते हैं हमारा सांबर एंड टमाटो वाली चटनी और एक कोकोनट वाली चटनी। तो चलो टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स वैसे इसके अंदर काफ़ी सारी वेजीज डली हुई हैं, देखने में ही लग रहा है इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ सच में। तो अब पहले हम कोकोनट की चटनी से टेस्ट करेंगे। यम्मी यम्मी फ्रेंड्स कोकोनट की चटनी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। फ्रेंड्स इनके उत्पम में ना आपको हर बाइट में वेजीज आएंगी मुंह में, ऐसा हो नहीं सकता कोई बाइट होती जिसमें वेजीज ना आए। और बहुत क्रंची है इनकी वेजीज, तो बढ़िया आ रहा है मुंह में भी, तो यम्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स इनका जो उत्पम है ना, मतलब अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है तो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब इसके अंदर इतनी सारी वेजीज डली हुई हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। और तो और मतलब काफ़ी ज़्यादा वेजीज है, तो मेरे को मतलब कम वेजीज अच्छी लगती है, पर मेरे को इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं खा सकती हूँ, मतलब वरना मैं बहुत कम खाती थी। पर अगर मैं आपको चटनी का बताऊँ तो चटनी मैं एक बार टेस्ट करती हूँ। फ्रेंड्स चटनी भी बढ़िया है, इनके अंदर ना छोटे छोटे कोकोनट के एकदम पीसेस आ रहे हैं, मतलब एकदम निन्नू निन्नू से। फ्रेंड्स ये एकदम अच्छे से ग्राइंडेड है, और तो और मतलब इसके अंदर छोंक डला हुआ है, तो बढ़िया लग रहा है।
तो एकदम यमी लग रहा है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ इनका सांभर। सांभर कैसे, सांभर हर जगह का अलग अलग होता है तो टेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे मतलब सेम तो नहीं होता। अब टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत गर्म होता है सांभर, एक बार मेरा मुंह जल गया था। ठंडा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सांभर मतलब इनका हल्के मसाला है सांभर में, तो एकदम बढ़िया लग रहा है और एकदम क्रीमी क्रीमी सा है इनका टेक्सचर सांभर का। और इसके अंदर फ्रेंड्स देखो सबसे बड़ी सब्जी जो कि है पम्पकिन, और वैसे इसके अंदर सबसे बड़ी यही है, वैसे ज़्यादा इसके अंदर सब्जियां हैं नहीं, पर अच्छा लग रहा है। हल्के मसाले, ज़्यादा मिर्ची भी नहीं है, कभी कभार बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। वैसे सांभर मैं खाती नहीं, पर इनका बहुत सच में बढ़िया लग रहा है इनका सांभर, तो यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स। चलो अब ट्राई करते हैं अपनी लास्ट डिश, तो नहीं ड्रिंक कह सकते हैं, जो कि है हमारी कोकोनट वाटर, जो कि मेरी फेवरेट है। टेस्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स एकदम यम्मी है, रिफ्रेशिंग है, एकदम मज़ा आ गया। और अगर आपको मतलब कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप कोकोनट वाटर पी सकते हो। अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए ना कोकोनट वाटर या कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कोकोनट वाटर चूज़ करूँगी, मेरे को बढ़िया लगा। तो अब मैं इन्जॉय करती हूँ अपना खाना, तो मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखो इसके अंदर, या तो आपके दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक सा जो हिलता हुआ दिख रहा है, शायद नहीं दिखेगा, पर मैं आपको बता दूँ इसके अंदर वो डाल दो कोकोनट के पीसेस। मैं रैपर इसका ये खोल ही लेती हूँ काम करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखो इसके अंदर दो कोकोनट के, ओए फ्रेंड्स ये ऐसा बन नहीं रहा, एकदम ये बन रहा है, टूट गया फ्रेंड्स ये। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इसके अंदर कोकोनट के पीसेस जले, मैंने कभी भी कोकोनट के पीसेस ऐसे डाले हुए नहीं देखे, तो प्रेजेंटेशन बढ़िया है। हमने अपना खाना ख़त्म कर लिया है एंड बहुत बढ़िया खाना था, टेस्ट वाइज भी बहुत बढ़िया था, प्राइस भी इनके जितने भी थे बढ़िया थे, एकदम मतलब बढ़िया थे, पर एकदम सही प्राइस थे। और प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया थी, मतलब सच में मेरे को बहुत बढ़िया लगी। तो ओवरऑल मेरे को खाना बहुत बढ़िया था लगा इनका था लगा मतलब अच्छा था इनका बहुत बढ़िया। तो मैं इनको दूंगी 10 में से 8 marks इनके खाने के, मतलब अच्छा लगा सच में। एक बार तो बनता है आना, मतलब शालीमार बाग में जब भी निकलो आप यहाँ से प्लीज़ एक बार ट्राई करना, मतलब सच में बहुत बढ़िया लगा। तो इनके पास बहुत कुछ है जैसे कि टिक्का वगैरह, पर मैं आपको इतना सारा तो चीज़ें दिखा नहीं सकती, तो मैंने मतलब अगर आपको ट्राई करना हो तो ये ट्राई कर सकते हो। तो इसी बढ़िया फूड के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना। बाय फ्रेंड्स। तो आज मैं खा रही हूँ उत्पम, आपको खाना है तो आ जाओ, मेरी मम्मी भी साथ में बैठी हैं।